हमेशा बोलते हैं जय यीशु, अब बोलते हैं जय यीशु की ना, जय मसीह की। ओके, हम लोग कहाँ कहाँ से आए हैं? रोहिणी चर्च है। अच्छा, कितने मेंबर सब उधर? तो जवान लड़कियाँ लड़के हैं, बहुत खुश है ना। देखो मैं तो अभी 78 ईयर्स ओल्ड, आई एम 78 ईयर्स ओल्ड यंग मैन। ओके, या अब से ये आपको यहाँ तक कि ये युवा लड़का है कि यीशु मसीह के पास आया, क्या पूछा? गुरुजी, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है? मार्कुस, पता नहीं मार्कुस सुसमाचार में, पर यीशु मसीह ने क्या कहा? चाहो तो हम आपके जो धर्म ग्रंथ में जो लिखा है, ईश्वर को स्तुति करो, ईश्वर को आदर करो और एक दूसरों को प्यार करो। वो युवा लड़के ने कहा, गुरुजी जी हाँ, बचपन से ही मैं पालन करते आ रहा हूँ, और मुझे क्या करना है? पूछता, क्यों पूछता है? ये तो नियम को पालन करता हूँ लेकिन मुझे खुशी नहीं मिली, आनंद नहीं मिली, इसे ज्यादा मुझे क्या करना है? प्रभु यीशु ने कहा, अच्छा लड़का, तुम उनको देखता है, उनको देखा है, आंखों से देखकर प्यार किया है। बाइबल में लिखा है कि लव्ड हिम, यीशु मसीह ने उनको प्यार किया है। आपको देखते ही मुझे भी ऐसा हो रहा है, सच में है ना। आप लोग इतने दूर से आए हैं, इस जगह को पवित्र बनाने के लिए आए हैं, ईश्वर की स्तुति करके आपके द्वारा इस सेंटर को बहुत आशीष मिलने वाला है, इसलिए आप लोग आए हैं, बहुत अच्छा है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? और एक काम है तुम्हारे जीवन में, क्या है तुम्हारे पास? वो तो धनी लड़का है, धनी युवक था, है ना, वेरी रिच मैन, रिच यंग मैन, गुड मैन, अच्छा लड़का, धर्म ग्रंथ में जो लिखा है सारे नियमों को पालन करने वाला था, और उसके जीवन में कुछ, वो महसूस कर रहा है कि जीवन में कुछ कमियां हैं, पता नहीं उनको क्या करना है। प्रभु यीशु ने कहा, सारे दंपति को दाउन दौलत को भेज दो और मेरे पीछे आ जाओ। फिर क्या हुआ, क्या लिखा है? चला गया, नहीं, हाँ, निराश होकर गंडवे सैड, क्यों? दुख से वापस गया, क्यों? क्यों उदास हो गया? कैसे संपत्ति को छोड़ना इतना मुश्किल है ना। हाँ जी, हाँ जी, क्या? लेकिन जरूरी है हमारे जीवन के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सोच है कि जो कुछ हमारे पास है, सोचना है हमारे मेहनत से, ठीक है, हम तो मेहनत करके कमाए, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम हैं, व्हाट एवर वी हैव, ईश्वर के बदला, सही है ना। सच में ऐसा सोच सकते हैं, मैंने कमाया, ठीक है, मैंने संभाला, मेहनत किया, अच्छा है, लेकिन ईश्वर का, गॉड्स गिफ्ट, एवरीथिंग इज गॉड्स गिफ्ट। इधर आए हैं लेकिन जबरदस्ती आए नहीं, आपके मन में कुछ इच्छा था ना, वो भी ईश्वर के कृपा है, समझ रहे ना। जो कुछ हम करना अच्छा करना चाहते हैं वो भी ईश्वर का वरदान है, अपनी मर्जी से अपनी सोच से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा सोचेंगे, अच्छा काम करना सोचते ही करना चाहते हैं, ईश्वर की कृपा है। अगर कभी कभी हम कहते पाप में गिर जाते हैं, फिर विशेष भावना हो रहा है
महसूस हो रहे हैं क्या हो रहा है, क्या ईश्वर का पवित्रात्मा का रोशनी है, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की कृपा है, समझ रहे हैं ना? या जब तक ये युवा लड़का अपने बहुत संपत्ति था, वेरी रिच यंग मैन, बेचकर किसको देना है, बांध लो, सबको बांध, गिव टू द पुअर, आपको आनंद जीवन मिलेगा, समझ रहे हैं ना? लेकिन वो चला गया। ये सबसे पहले हमें सोचना है। हम तो मैं जानता हूं आपको देखते ही हम सब फ्रॉम ऑर्डिनरी ग्रास रूट कहते हैं ना, ग्रास रूट पीपल लिविंग डाउन टू अर्थ, नो एवरी डे वी आर लिविंग इन द ग्राउंड डिगिंग कैरिंग। आई नो ऑल ऑफ अस आर डूइंग सम वर्क और अदर, फिजिकल वर्क, मैनुअल वर्क, इजंट इट? या द ऑर्डिनरी पीपल, हम किसी को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा, आपके पास भी कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं? आज यीशु मसीह के संदेश को, सुसंदेश को, सुसमाचार को एक किसी को दे सकते हैं ना, समझ रहे हैं? हम तो बहुत पैसे वाले नहीं है, आप लोग, मैं देखता हूं, मुझे जानता हूं, हमारे दिल्ली में कोई भी हो, बहुत सभी लोग साधारण, हम चंदा बोलते हैं, ऑर्डिनरी पीपल, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड डाउन टू अर्थ स्ट्रगलिंग, हमें राइट सही है ना? हम तो लेकिन हम पैसे देने के लिए ज्यादा नहीं होगा हमारे पास, धन दौलत को देने के लिए हमारे पास नहीं होगा, लेकिन ईश्वर ने आपको दिल दिया है ना? हाँ जी, ईश्वर आपको दिल दिया है। अंतर सिंह पौलुस ने कहा आप लोग पवित्र आत्मा की मंदिर हो, है ना? यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, है ना? इसका मतलब हर व्यक्ति में ईश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा निवास करता है, इसलिए हम सब एक मंदिर है, समझ रहे ना? हम सब मंदिर है, पवित्र आत्मा की मंदिर है, इसलिए अब सबसे पहले जब हम उठते हैं सुबह सुबह क्या करना है? हाँ जी, ईश्वर को धन्यवाद देना। क्यों? कहा मंदिर जाने के लिए जरूरी नहीं है, चर्च जाने के लिए जरूरी नहीं है, संडे तक वेट करने के लिए जरूरी नहीं है, ईश्वर हमारे दिल में निवास करता है, कोई भी हो, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, कम से कम ईश्वर के नाम लेकर ईश्वर अपने धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ग्रेट मर्सी, एंड थैंक यू आपके कृपाओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आज के दिन के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे बच्चों के लिए, परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, सही है? और क्या प्रार्थना, इसे ज्यादा क्या प्रार्थना कर सकते हैं? वी ऑलवेज प्रेज द लॉर्ड अर्ली मॉर्निंग, फिर उसी दिन को हम कहते कंसक्रेट, पवित्र पवित्र करना, ईश्वर के हाथ में अपने जीवन को छोड़ना है, फिर जो कुछ होता है करते रहिए, जो कुछ करना है हमारा करते रहे, क्या स्कूल जाना, कॉलेज जाना, काम करना, बच्चों का देखभाल करना, हर चीज में हमेशा याद रखिए कि ईश्वर हमसे दूर नहीं है, हमारे साथ ही है, हमारे साथ है, क्योंकि क्यों हमारे साथ है, हर कोई भी हो, चेटी साहब ने कहा कि जानवर को भी हमें रेस्पेक्ट देना है ना? क्यों? लेकिन हम अब वो लो लेवल में हैं, ये दुनिया के लिए, सारे सृष्टि के लिए, सृष्टि को सुंदर रखने के लिए ये चीजें भी जरूरी है, जानवर, पौधा, पेड़, सब कुछ, आसमान में जो कुछ है, सब जरूरी है ईश्वर के सृष्टि को सुंदर रखने के लिए, क्या? इसलिए तो हमेशा सुबह से शाम तक कृतज्ञ, मतलब ग्रेटफुल हार्ट्स, धन्यवाद देते हुए हम काम करें, धन्यवाद देते हुए क्या करना, प्रार्थना करें, होमवर्क करें बच्चे स्कूल में, स्कूल से आने के बाद काम होगा, मम्मी डैडी को मदद करना है,
खुशी से आनंद से विद ग्रेटफुल हार्ट्स क्योंकि डैडी मम्मी बहुत मेरे लिए अपने लिए आपके लिए बहुत मेहनत किए हैं मेहनत करते रहते हैं इसलिए जो डैडी मम्मी को धन्यवाद देते हैं ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इसलिए हमेशा हम कहते हैं ग्रेटफुल हार्ट्स धन्यवाद देने के लिए दिल होना चाहिए हमेशा क्योंकि जो कुछ हमारे पास है जो कुछ हम करते हैं सारे ईश्वर के वरदान है इसलिए सब कुछ सबका है आपने सुना होगा बहुत दुख बात है वेरी सैड न्यूज फ्रॉम 2-3 years ago आपने सुना फादर स्टैन स्वामी फादर जॉन स्वामी एक जेसुइट फादर हमारे जैसे मेरे जैसे फादर थे 84 years old रांची में छोटा नागपुर में पहाड़ी जो आदिवासियों के बीच बहुत काम किया है क्यों अपने जो बिजनेसमैन है पैसे वाले हैं वो सारे पहाड़ को कब्जा करके माइनिंग करना चाहते थे तोड़ के जो कुछ अच्छे चीजें हैं निकाल के बाहर बेचने के लिए फादर स्टैन स्वामी ने नियम को अनुसार लड़ते थे लोगों के साथ ये ऐसे करने से क्या होता ये जो पावर में रहते हैं जो कोई भी वो सरकार हो कोई है सोचा कि हमारे देश के लिए खतरनाक है इनको दूर करना है इसलिए उनको पकड़ा जेल में रखा 84 years old क्या करेगा देश के लिए दुश्मन है क्या लोगों के सेवा में रहा पूरी जिंदगी पर अपने जीवन को अर्पित किया है फिर बॉम्बे में लेके गया कोविड में वो मर गया लेकिन वो लिखा है जेल में लिखा है ज्यादा से ज्यादा वो देखते हैं आपके जैसे उम्र जवान लड़के लड़कियां हैं ज्यादा लड़के हैं जेल में बहुत बिना केस है बिना FIR है ऐसा ही पड़े बहुत सालों से उनको देखते उन्होंने लिखा पोएम लिखा है क्या लिखा है सभी लोग खुश हैं अपने अपने जो शहर है खाना लेके चले जाते हैं जो कुछ बाकी है जो पक्षी आके ले जाते हैं सबको बराबर आते हैं यही होना चाहिए फिर लिखा है नथिंग इज माइन कुछ भी मेरा नहीं है कुछ भी आप तो किसी का नहीं है तुम्हारा नहीं है है ना नथिंग इज माइन नथिंग इज योर्स सब कुछ हम सबका है ऐसा होता तो हमारा देश एक सुंदर होगा ना लेकिन या अब ऐसा नहीं है जो पॉलिटिक्स में लाइन लेना चाहता हूँ फिर ऐसा नहीं है लालच लोग जो छोटा सा पैसा आ जाएगा ना बहुत ज्यादा कमाना चाहते हैं फिर शैतान घुस जाता हमारे जीवन में सोच में ये तो इसलिए क्या कैसे सोच आया कि हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देते हुए जीवन बिताए और एक कारण मैंने बताया एक विशेष है ईश्वर कहाँ है दिल में और कहाँ और कहाँ हाँ जी एवरीवेयर और कहाँ कहाँ किसको देखते हैं ईश्वर को कहाँ देखते हैं मंदिर में जरूर और इंसान सही है ना या कोई भी हो इतने आपको देखते हैं ना मैं ये सोच मैं महसूस हुआ बच्चे इतने सुंदर बच्चे आए हैं है ना यस अपने को धन्यवाद देते रहो जरूर सच में फिर एक दूसरों को देखते हैं ना उदास होना चाहिए प्यार करना चाहिए फिर जो रास्ते में हम आपके जैसे आप तो मैं बहुत खुश हूँ इतने थोड़ा सा समुदाय में थोड़ा अच्छी स्थिति रास्ते में देखा होगा चौक में ना वो जो लाल पत्ती के पास इतने बच्चे हैं दौड़ते रहते हैं भीख मांगते रहते हैं इतना उदास वो भी ईश्वर इसका मतलब क्या है ईश्वर अच्छी जगह में कुर्सी पे बैठ के सांस नहीं करता है उसमें रहता है वो लड़के में लड़कियों में ही लिव्स दोस पीपल वो भी ही इज आल्सो सफरिंग गॉड इज सफरिंग इन द पीपल कैसे बोल सकते हैं ईश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया ना ही लिव क्रिएटेड अस इन हिज इमेज एंड लाइकनेस और मत्ती सुसमाचार में
25वां अध्याय में देखो, अंतिम कोई पढ़ सकते हैं? 25 न्याय का दिन, हाँ पढ़ लीजिए थोड़ा। क्या? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाईं ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। ये तो समझ रहे ना, प्रभु यीशु मसीह का जो बाएं राइट साइड है, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो, क्योंकि मैं भूखा था, मैं नंगे में था, जेल में था, मैं अनपढ़ था, मैं बीमार था, मैं अनपढ़ था, आपने मुझे सिखाया लिखने पढ़ने के लिए, है ना, मैं गरीब था, नंगे था, पहनने के लिए कपड़ा दिया। उन्होंने पूछा, प्रभु यीशु कब देखा आपको, कब देखा नंगे में देखे? प्रभु यीशु ने कहा, जो ऐसे लोगों को जो कुछ करते हैं दूसरा पार्ट तो नेगेटिव है ये, इसलिए ना प्रभु यीशु मसीह ये मैं, इसलिए तो हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देते हैं हमेशा। इतने हम यात्रा बस में खड़े होते हैं ना, बस के लिए खड़े होते हैं, वेट करते हैं, लाइन में खड़े होते हैं कुछ राशन कार्ड के लिए, कुछ सामान लेने के लिए, वो भी हमारा भाई है, बहन है, वो भी ईश्वर के चेहरा है, इज ऑल्सो फेस ऑफ गॉड। ये इसलिए मदर थ्रेसा के बारे में सुना, मदर थ्रेसा क्या देखा बोल रहे थे ना, ये एक बार एक विदेश जर्नलिस्ट अमेरिका से उनके पास गया, हर रोज वो बहुत प्रार्थना करते हैं, अभी 6:30 बजे से हमेशा, आज 6 से 8 तक, 6 से 7 तक प्रार्थना करते हैं, वहां एक प्रार्थना होती, विशेष आराधना होती थी। फिर वो सुन रहा था, पूरे बातों को सुन रहा था, प्रार्थना को सुन रहा था, उसको विश्वास नहीं था ईश्वर में, क्रिश्चियन था लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया। फिर उन्होंने बात किया कि ये सिस्टर कहाँ से आए, बहुत देर से आए, बहुत टायर्ड। मदर थेरेसा ने उनको कहा, ये सब यीशु मसीह को छूना है, बिकॉज दे टच द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कैसे? मदर थेरेसा ने कहा कि कई लोग क्या लेप्रसी, क्या कर रहे हैं, कोड़ी कोड़ी को मदद किया है, वो नाले में गिर पड़े हैं, उनको उठा के ले आया है, ये ईश्वर को किया है, समझ रहे ना, ये हमारा जीवन है। हमारे पास कुछ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह कहा है, अपने संपत्ति को छोड़ के मेरे पीछे आओ, हमारे पास